सर आप म्यूट हो, सर आप म्यूट हो। ओके बेटा, अब आवाज आ रही है? हाँ, यस सर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर ध्यान देते हैं। और इसमें द क्वेश्चन नंबर थ्री इज फवीना। फवीना नेम है, फवीना 12 रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट। एंड राधा बारोड सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने जो है पे ज्यादा किया, ये आपको बताना है। तो पहला तो हम इसमें लिखते हैं, सबसे पहला नाम होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो दी गई है वो 12,500 है, 12,500 दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। एंड टाइम जो दिया गया है n इज इक्वल टू 3 ईयर। और इसके बाद जो यहाँ पर रेट जो दिया गया है वो है 12%। कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो एक ही बात है, यहाँ पर जो है मैं स्मॉल में लिख दे रहा हूँ, आप कैपिटल लिख सकते हैं। और इसमें ये एक भैया है, इन्होंने नाम कुछ अपना जो है वैसा लिखा हुआ है। बेटा वीडियो ऑन करें तब मैं आपको जो है अनम्यूट करूंगा। जिन्होंने हैंड रेस किया है वीडियो ऑन होनी चाहिए तभी उनको अनम्यूट किया जाएगा, क्योंकि ऐसा जो या वे जो है केवल कनेक्ट रहे, वीडियो ऑन नहीं हो रही है बेटा, तब उनको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेट है। अब इसके बाद जो है पहला हम नाम लिखते हैं फवीना। फवीना, फवीना ने जो है सिंपल इंटरेस्ट चाहिए दिया उन्होंने, तो वो होता है पी इंटू आर इंटू एन बाई में 100। तो दैट इज इक्वल टू 12,500 इंटू 12 इंटू 3 बाई में यहां पर 100। ये दो जीरो से दो जीरो हमारे कट गए और 125 इंटू 36। और अब हम 1, 2, 3, 5, 6 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,500 द वैल्यू इज 4,500 रुपीज। तो इसका जो है फवीना का इंटरेस्ट जो था उसमें, तो इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट आपका हो गया 4,500। उसके बाद बात आ गई है राधा की, कि फवीना नाम का हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब राधा, राधा तो राधा के लिए राधा ने से कंपाउंडेड लिया, तो आपका अमाउंट ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। So here P 12,500 और 1 + R, R की वैल्यू आपकी है 12% by में 100 की पावर में 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 12,500 इंटू ये आपके पास हो गया 112/100 और इसका 3 by multiplying और इंटू 112/100, ये हमारे पास दो जीरो से दो जीरो इसके क्या हो गए कट। अब इसके बाद जो है तो ये आपका हो गया इसका जो है 16,637। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 16,637, ये जो है हमारे पास जो अमाउंट दिया गया 0.50, ये अमाउंट जो दिया गया है ये जो है आपका 3 साल का अमाउंट है। हम इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। अब आप देख रहे हैं अमाउंट कितना है 16,637.50 में से हम जो है इसमें 12,500 को हम माइनस करेंगे, तो गेट कितना हो गया, ये हमारे पास 50, ये हो गया 7, ये 3, 1 और 4, तो ये हमारे पास जो है 41,437। तो ये तो जो है आपका हो गया। अब आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है वो 4,137 है, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका 4,500, ठीक है। तो 4,000 हमारे पास जो है 500 दिया गया है
और 4137 जो है इसका दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कहा गया इसमें पूछा गया हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो यहां लिखेंगे कि फबीना फबीना पे मोर देन राधा, राधा से फबीना जो है ज्यादा जो है पे करती है राधा इंटरेस्ट। तो अब इसमें जो है हम इससे कितना ज्यादा हुआ तो इसको माइनस करेंगे 4500 4137.50 हम इसमें से माइनस कर लेंगे, ये हमारे पास हो गया जीरो, ये हमारे पास हो गया 10 में से 5, 9 में से 7 माइनस हुआ 2, 9 में से 3 गया यहाँ पर 6, 5 में से 1 गया यहाँ पर 4। तो ये रुपीज जो है 462 सॉरी टू से 5 निकल चुका है यहाँ पे 3 बचेगा या प्लस दिस 3 362 रुपीज जो है ये इसमें ज्यादा पे करेगी। तो आपका आंसर ये है। अभी एक भैया जतिन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, मास्टर जतिन सिंह बोलो बेटा, वीडियो ऑन करें, बोले सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है बेटा, तो वीडियो क्लियर ना होने के पीछे रीजन इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इसे रिकॉर्ड कर रखा हूँ बेटा, इसे मैं दोबारा से आपके पास सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग में क्लियर आता है। क्लियर हो गया? और कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये तीन चीजें तो दी गई हैं, इन तीन चीजों में दो लोगों को सेम अमाउंट सेम रेट से दिया गया है, फबीना को सिंपल इंटरेस्ट पे करना है और राधा को कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है। आपको ये बताना था कि फबीना ने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया कि राधा ने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया। तो देखा गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है फबीना का 4500 रुपीज है और राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट 4137 है। तो सिंपल दिख रहा है कि ये वाला अमाउंट ज्यादा है, ये अमाउंट कम है। तो फबीना पे मोर देन राधा इंटरेस्ट, तो राधास राधास इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे कि फबीना के इंटरेस्ट में से राधा के इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, वो आएगा 362 और ये जो है हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलीफाई करके हमने जो है इसे आपके सामने यहाँ पर दे दिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। हियर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है इसको आप थोड़ा सा समझिए। आई बारोड रुपीज 12,000, मैंने जो है किसी से लिया, उधार लिया, ठीक है, फ्रॉम दी जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर 2 ईयर। मैंने जो है जमशेद से 12,000 रुपीज जो है उधार लिया है 6% पर एनम के रेट से 2 साल के, ठीक है। Had I borrowed this sum 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? अगर मैं इसे जो है compound interest लूँगा 6% उसी रेट पर 2 साल के लिए, तो मुझे कितना जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी इज इक्वल टू रुपीज 12,000, इतना रुपए जो है हमने जो है उधार लिया, ठीक है। उसके बाद जो रेट कितना दिया गया है, R इक्वल टू 6%, रेट 6% है, N इज इक्वल टू 2 ईयर, 2 साल के लिए हमने जो है लिया इसे। अब इसके बाद हम इसी अमाउंट का एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहां फिर से हमारे पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन बाई में 100, दैट इज इक्वल टू 12,000 इंटू 6 इंटू 2 बाई में 100, 2 जीरो आपके 2 जीरो से कट जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 1440 रुपीज, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट पर। अब कंपाउंड के लिए बात करते हैं, अमाउंट ए इज इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में एन। अमाउंट कितना था हमें निकालना है, 12,000 में 1 प्लस 6 बाई में 100 के पावर 2। तो अब हम इसको लिखेंगे 12,000
इंटू 106 बाई में 100 एंड 106 बाई में 100। तो आप देख रहे हैं कि तीन जीरो तो जो है हमारे इस तीन जीरो से ये कट जाए, ठीक है। अब इसके बाद जो यहां पर हमारे पास क्या बच गया, ये हमारा हो गया 12 इंटू 106 इंटू 106 बाई में 10, ठीक है। 10 से डिवाइड करना आसान होता है, हम जो है 0.1 डिजिट पर हम इसको लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30483, that is equal to 30483.20। ये अमाउंट आ रहा है बच्चों, ध्यान देखना इसमें। तो अमाउंट है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस का बी, दैट इज इक्वल टू अमाउंट कितना हो गया 13483.20 माइनस, यहां पर हमने जो है 12,000 हमने माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया इसमें, ये हो गया हमारे पास 20 और इसके बाद जो है यहां पर 43। तो 43 जो है हमारे पास यहाँ द वैल्यू यहाँ दिया गया है इसको, तो पहले हम इसमें माइनस करते हैं, ये 20 हो गया 384 यहाँ माइनस और 12 माइनस किया 1, तो ये हमारे पास जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या 1440 और कंपाउंड इसका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड 1483। तो ये जो है हमारे पास आया है, अब हम इसको लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे, तो एक्स्ट्रा अमाउंट यहां पर हम लिखेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट इज इक्वल टू, तो ये हमारा 1483.20 में से यहाँ पे 1440 हम जो है माइनस करेंगे, तो ये हो गया 43.20। हमें जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो है 43.20 रुपी जो है पे करना पड़ेगा। फिर समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में कहा कि मैंने जो है जमशेद से 12,000 रुपीस उधार लिया है और मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि इंटरेस्ट मैं 6% का दूंगा 2 साल 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो वो अभी जो है जमशेद जो है कैलकुलेट कर रहा है अपने दिमाग में कि हम किस इंटरेस्ट से इसको हम पैसा देंगे कि हमें ज्यादा फायदा होगा। तो जमशेद ने पहले जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल के चेक किया, देखा कि 1440 रुपीज ही है और फिर जमशेद ने कंपाउंड इंटरेस्ट चेक किया तो देखा कि 1483 है, यानी कि 43.2 रुपीज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में उसे ज्यादा मिल रहे थे। तो वो कौन सा प्रेफर करेगा, वो जो है उधार देना मुझे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रेफर करेगा, सिंपल इंटरेस्ट को उधार देना प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। तो हम दोनों चीजें निकालेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, इसमें भी जो है हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकाला था और हम दोनों का डिफरेंस देखा तो 43.20 हमारा ये आंसर। तो बहुत इजी है बेटा, केवल कैलकुलेशन है, यहाँ पर आप जो है ये अपने मेथड से आप कर सकते हैं, ये जो है आप इत्मीनान से इसे ढंग से तसल्ली से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, इसको सॉल्व करिए, क्योंकि हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 35 में ऐसे भी जाएगा, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट में करके हमारे पास कैलकुलेशन रखी है, मैं उसकी वजह से आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन है तो आप बेटा पूछ सकते हैं और सभी को ये वेरीफाई भी करना है कि आंसर इतना आ गया है कि नहीं आ रहा है। तो किसी के मन में कोई डाउट है तो बेटा वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इफ एनी डाउट आस्क योर क्वेश्चन। और कोई भी स्टूडेंट लेट कर नहीं पढ़ेंगे, सभी जो है बैठ कर पढ़े प्रॉपर, और वीडियो बहुत से स्टूडेंट्स की ऑफ है और जो हमारी जो संख्या है स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्लक्चुएट, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी 24, 25, 29, 30 ऐसे पहुंच जाएगा। तो ये जो है इसका मतलब केवल नाम के लिए कनेक्ट हो रहा है, बच्चे अटेंडेंस लग जाए फिर हम चले जाए। तो ऐसे पढ़ाई जो है पढ़ने के लिए होती है, केवल अटेंडेंस के लिए पढ़ाई नहीं होती, इसका भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए हम इधर, किसी को कंफ्यूजन है तो रेज हैंड करेंगे, हैंड रेज करेंगे और मैं उनको अनम्यूट करूंगा और वे जो है अपनी प्रॉब्लम इजीली पूछ सकते हैं मुझसे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन है वासुदेवन, वासुदेवन एक नाम है, वासुदेवन, ठीक है। तो ये कुछ साउथ इंडिया में जो नाम होते हैं वे जो ऐसे संस्कृत जैसे नाम होते हैं, वासुदेवन जो है ऐसे नाम, तो ये साउथ के ही लग रहे नाम। इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 एट इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, उसे जो है कितना अमाउंट मिलेगा आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर। तो ध्यान से देना बच्चों, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात हो रही है, याद करिएगा। जब मैंने जब ये स्टार्टिंग हो रही थी तो हाफ ईयरली का केस में मैंने बताया था कि इन द केस ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली टाइम विल बी डबल, रेट विल बी हाफ। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली देन टाइम नो चेंज रेट नो चेंज, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली टाइम विल बी डबल रेट विल बी हाफ। तो हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे और सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे, कोई हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का, P is equal to क्या दिया गया है इसको देखें, लिखा है इसमें here 60,000, तो ये हमारे पास हो गया 60,000 रुपीज है, वासुदेवन ने इन्वेस्ट किया और रेट क्या रहा है 12%, यानी कि आर जो है आर इक्वल टू है 12% का रेट दिया गया है। फिर इसके बाद जो दिया गया है एंड इसके बाद कंपाउंडेड टाइम जो दिया, टाइम दो प्रकार के टाइम दिए गए, एक पहला टाइम जो दिया गया है एन इज इक्वल टू, पहला है लिखा है 6 मंथ और यानी दैट इज इक्वल टू 1/2 ईयर, और सेकेंड दिया गया है एन इज इक्वल टू 1 ईयर, तो 1 ईयर। तो यहां लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करेंगे टाइम, तो फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं, एन इज इक्वल टू 1/2 ईयर है तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 1/2 × 2 दैट इज इक्वल टू 1, और यहां पर हो जाएगा रेट हमारा कैपिटल आर, आर इक्वल टू कितना दिया है आर इक्वल टू 12% है, तो कैपिटल आर जो है 12/2 दैट इज इक्वल टू 6%। अब ये हमारे पास हम इसको सॉल्व करते हैं, अमाउंट ए इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, तो पी कितना दिया गया है 60,000 इंटू 1 प्लस रेट है 6/100 की पावर में 1। अब हम इसको जो है 1 के लिए सॉल्व करेंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, गेट रिजल्ट इज हियर 60,000 इंटू 106/100, तो ये दो जीरो से दो जीरो हमारे क्या होंगे कट जाएंगे, और 6 6 36 और 6 1 6 6 36 एंड 20 हमारा जो है बढ़ गया, ये जो है हमारा अमाउंट है, ठीक है 63 6 3 6 0 0 ये अमाउंट हमारे पास है। फिर इसके बाद बोला गया है, दूसरा पूछा है 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर में भी जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हमारा जो डबल करेंगे टाइम को तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम विल बी 2, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा सेकेंड है हियर हमारे पास n इज इक्वल टू 1, तो कैपिटल n इज इक्वल टू 1 × 2 इज इक्वल टू 2, r इक्वल टू 12%, तो कैपिटल r इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में टाइम को हमने डबल कर दिया, रेट को हमने हाफ कर दिया, तो अब हमारे पास हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 की पावर में n, p हो गया 60,000 1 प्लस का 6/100 की पावर 2, तो दैट इज इक्वल टू 6000 60,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, सिंपली जो जीरो है यहाँ पे 40 दिख रहा है, ये 40 हमने जो है इन 40 से कट कर दिया, अब हमारे पास हो गया 6 × 106 × 106, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 6 36 × 106
और इसको आप जो है इजी वे में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 67,416। तो 67,416 ये जो है हमारा अमाउंट। तो दोनों अमाउंट को हमने बारी बारी से, जब हमारा सिक्स मंथ का पूछा जा रहा है हाफ ईयरली पे, तो हमारा जो है अमाउंट हो जाएगा 63,600। आप बताइए कि अगर जो है वासुदेवन जो है 60,000 रुपए लगा करके 6 महीने में वह जो है 63,600 रुपीज वो प्राप्त करता है, यानी बाकी अमाउंट क्या है वो इसका इंटरेस्ट है, और एक साल में जो है देखिए 60,000 की जगह 7,416 रुपीज उसे केवल प्रॉफिट है साल भर के पैसा इन्वेस्ट करने, यानी अपना पैसा लगा करके लोग ऐसे ही कमाते हैं। ये जो इन्वेस्टर होते हैं ना, इन्वेस्टर का मतलब कि किसी भी किसी थीम पर या किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा देते हैं, तो उन्हें मालूम होता है, उन्हें लगता है कि इस प्रोजेक्ट में हमें प्रॉफिट होगा तो ही वो पैसा लगाते हैं। तो ये लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वे जो है ये अपने पैसे को वो यूज कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो उनका पैसा तो नहीं मिलता ही मिलता है, लेकिन शर्त होती है, एग्रीमेंट होता है कि मुझे इतना इंटरेस्ट भी चाहिए भाई, तो इंटरेस्ट के लिए उन्होंने पैसा तो दे दिया, साथ में इंटरेस्ट उनको मिल जाता है, इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं। और इसी तरह से आपने देखा होगा ना, मूवी वगैरह चलती है ना, तो मूवी में जो है जो उसके जो प्रोड्यूसर होते हैं बाकी सभी जो है वे सब जो है उसमें सबके नाम आते हैं, साथ में जो है कौन कौन से लोगों ने उसमें पैसे लगाए हुए होते हैं, तो उन सभी का एग्रीमेंट होता है, वे भी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के अनुसार, यानी कि एक साल में पिक्चर बनी, दो साल में पिक्चर बनी, तो जो है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में उन सभी शेयर होल्डर का शेयर रहता है, तो इस तरह से लोग जो है पैसे अपने कमाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जिस तरह से जैसे वासुदेवन ने अपने 60,000 को इन्वेस्ट करके 6 महीने में कम टाइम के इन्वेस्ट किया तो कम कमाई की, ज्यादा टाइम के इन्वेस्ट किया ज्यादा कमाई, अगर ये 2 साल का होता तो कमाई और ज्यादा हो जाती, तो इस तरह से वे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें किसी को डाउट है बेटा तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हो तो वे बेझिझक निसंकोच आप उससे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं तो आगे बढ़े बेटा, चलिए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें एक्चुअल में नाम देख रहे हैं कि कुछ ही नाम जो है वैसे है, बाकी सब जो है मुस्लिम नेम आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस में, यानी हमें लग रहा है कि जो ये चैप्टर बनाया हो गया होगा उस समय किसी ने जो है वहां पर जो है धर्म को विशेष जो है उसके मन में रखा होगा, कि जितने भी नाम आए जैसे ये है हमारे पास फातिमा, फबीना। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है आरिफ नाम से, तो अगला क्वेश्चन जो है आरिफ का है, तो देखिए चलिए हम इस पर भी काम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, हमें नाम से क्या लेना देना, हमें तो उस पर वर्क करना है। तो लिखा आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000, आरिफ ने बैंक से ₹80,000 का लोन लिया। लोन का मतलब क्या हुआ कि बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है कि आप मुझे ये पैसे दे दीजिए, मैं इस इंटरेस्ट के साथ ये पैसे आपको इतने टुकड़ों में इतने ईएमआई में मैं आपको वापस कर दूंगा, ठीक है, ये एग्रीमेंट होता है, बैंक बकायदा लिखवा लेते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो है लोग कार वगैरह खरीदते हैं ना, तो कार जो है लोन पर कार खरीदते हैं, जब वे लोन का अमाउंट चुका नहीं पाते तो क्या करते हैं, बैंक वाले आते हैं और कार जो है इनकी बड़ी सी गाड़ी होती है कार उठा के लिए जाते हैं, ऐसे ही तो इस तरह से बैंक वाले अपना पैसा नहीं छोड़ेंगे, वो चलाक होते हैं बैंक वाले, उनके पास जो है वसूली वाले भी लोग होते हैं, वे जा करके सब बैंक से जगह आपने कार खरीदी है आपने पैसा उसका लोन नहीं चुकाया है ईएमआई नहीं चुका रहे हैं तो आपको दिन दो बार नोटिस दे देगा और उसके बाद जो है फिर वो रिकवरी का सारा प्रोसेस आगे वो अपनाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सोच समझ के लोन भी लेना चाहिए, मैं इसे दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, यानी कि कर्ज लेकर के घी पीना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक, बैंक से वो 80,000 जो है लोन लेता है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, उसका रेट जो है 10% का पर एनम का रेट है, फाइंड द डिफरेंस द अमाउंट ही वुड पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो बच्चों यहां पर 1.5 ईयर देखिए, तो पहले तो मैं केवल टाइम को और रेट को मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा जो है 6 नंबर,
तो यहां हमारे पास पहला जो दिया गया है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में तो हमारे पास जो है ये एन जो दिया गया है और यहां भी एन दिया गया है और ये आर दिया गया है, मैं इन दोनों की बातें करता हूं पर ठीक है। तो पहला हमारा जो एन दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट वन एंड हाफ ईयर, एनुअली में वन एंड हाफ ईयर दिया गया है, द वैल्यू इज वन एंड हाफ, यहां भी वन एंड हाफ, और यहां हमारे पास रेट जो दिया गया है 10%, 10% यहां भी रेट हमारा 10%। तो देखिए बच्चों ये जो है हमारा एनुअली के केस में हम पहले वन ईयर का तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे या वन ईयर का कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, एक ही बात है, और फिर हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके ऐड कर लेंगे, तो ये तो सिंपली हो जाएगा। लेकिन हाफ ईयरली के केस में जो हमारा एन होगा एन इज इक्वल टू ये हमारा कितना है 3/2, तो टाइम को डबल करते हैं 3/2 × 2 दैट इज इक्वल टू 3 और रेट को क्या करते हैं रेट को हाफ करते हैं दैट इज इक्वल टू 5%। ठीक है तो एन की वैल्यू हमारी जो है डबल होकर 3 हो गई और हमारा रेट जो है 5%। अब हमें जो है इसमें पूछा गया है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट टू पेइंग, तो दोनों के अमाउंट निकालेंगे, यहां भी हम अमाउंट निकालेंगे यहां भी अमाउंट निकालेंगे और दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे। अगर एनुअली दिया गया है तो कितना होता है, हाफ ईयरली दिया गया है तो कितना होता है। तो अभी हम यहां पर बात करते हैं अमाउंट इज इक्वल टू, यहां हमारे पास पी ब्रैकेट में 1+ यहां पर आर बाई 100^n, तो P आपका हो गया, P कितना दिया गया है 80,000, 80,000 रुपीस, तो ये हो गया 80,000 into 1+ और R की वैल्यू कितना दिया गया है 10^100^1, 80,000 into 110/100, दो जीरो इसके कट गए तो that is equal to 88 और 30, ये हमारे पास हो गया। अब इस अमाउंट पर जो है हाफ ईयरली के लिए 1/2 year के लिए फॉर 1/2 year तो यहां हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन बाई में 100 दैट इज इक्वल टू 88,000, रेट आपका 10 है और एन की वैल्यू कितनी है 1/2 / यहां पर 100 हो गया, 0000 कट गए, अब ये 2 से हमारा कट गया दैट इज इक्वल टू 4,400 रुपीज, तो यहां लिखेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 88,000 प्लस 4,400 दैट इज इक्वल टू 0,04,129। तो ये जो है जब एनुअली पे करता है तो वह जो है इसका हो जाता है इसमें 92,400 रुपीज, ठीक है 92,400 रुपीज जो है ये जो है इसको एनुअली पे करता है। अब हाफ ईयरली के लिए लिख लेते हैं, अब हाफ ईयरली के केस में यहां पर हमारे पास P = A = P(1+ R/100^n, तो यहां हमारे पास हो गया 80,000 1+ रेट हमारा कितना हो जाएगा 5/100^3, तो ये हो गया 80,000 × 105/100, तो यहां पर 4 0 1 2 3 4 ये हमारे जो है इस 4 0 से हमारे कट जाएंगे, ये हो गया 8 × 105 × 105 × 105 / ये है 100, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 92,610 रुपीज। तो अब आपको जो है इसमें ध्यान देखना है कि अब इसमें पूछा गया है कि आरिफ ने जो लोन लिया है उसमें बोला गया है डिफरेंस, डिफरेंस जो निकाल लेते हैं यहां पर,
डिफरेंस, डिफरेंस में देखिए ये अमाउंट ज्यादा है ये अमाउंट कम है, 926 में से 92400 को हम माइनस करेंगे 012, तो 210 रुपीज जो है का डिफरेंस उसे होगा, 210 रुपीज का क्या होगा डिफरेंस होगा। तो वहां पे हाँ तेजस चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं, तेजस चौधरी से मैं बात करता हूँ थोड़ा सा हेयर। यस तेजस चौधरी वीडियो ऑन करें फिर बोले। अरे सर आपने रेट को बाय टू से डिवाइड किया सर, सर पर आप सर आपने सर जो न्यू सर पहले वाला टाइम था सर वो तो सर थ्री हाफ ईयरली बनेंगे ना सर, 111 सर सर थ्री से डिवाइड किया सर। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहा गया है पहला बोला गया है इफ कंपाउंडेड एनुअली और दूसरा बोला गया है इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो एनुअली में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, एनुअली में वन एंड हाफ ईयर है ना, तो ये वन एंड हाफ ईयर का जो है वन एंड हाफ ईयर का हमारे पास जो है ध्यान रखिएगा कि वन एंड हाफ ईयर में पहले वन ईयर का तो निकालेंगे, हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके हम उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 92,400। लेकिन जब इसी इंटरेस्ट को हाफ ईयरली जोड़ा जाएगा तो टाइम हमारा कितना था 3/2 ईयर था ना, तो 3/2 का जब डबल करेंगे तो 2 से 2 कट गया हमारा कितना आ गया 3, और रेट हमारा हाफ किया जाता है हाफ ईयरली के केस में, तो 10% था तो 10 का हाफ कितना हो गया 5। तो अब हमारा जो नया हाफ ईयरली के केस में टाइम हमारा जो है 3 हो जाएगा और रेट हमारा 5% हो जाएगा, बस इसी को हमने सॉल्व किया तो 92,610 रुपीज आ गया। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस याद करना है निकालना है, यानी एनुअली होगा तो और ये हाफ ईयरली होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो डिफरेंस को हमें बताना है, ठीक है। यस सर, सर सर आपने सर आपने ये रेट सर हम सर हमने 1/2 का सर सिंपल इंटरेस्ट निकाला वो कंपाउंडेड क्यों नहीं है सर, अगर पूरा ही कंपाउंडेड एनुअली है तो सर 1/2 को डबल करके बिल्कुल नहीं निकाल सकते। देखिए क्या होता है ना एनुअली में, अगर देखिए पहले साल तो आपका चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट भी वही होता है जो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, एक साल में कोई चेंजिंग नहीं होती, एक साल से ज्यादा 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर का होता है तब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना शुरू होता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर अमाउंट जो है 1.5 ईयर, अगर ये 2 ईयर होती या 2 ईयर से ज्यादा होती तो हमारा कोई अंतर पड़ता, यहाँ पर भले 1 ईयर का हमने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, अब हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि जो है पावर हमारा जो है 1/2 हो जाएगा, एन की वैल्यू तो पावर में जाती है ना, तो हाफ ईयर का हम नए अमाउंट पे यानी कि 8,800 पे हमने जो है ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला है तो 4,400 रुपीज आ गया। तो इस हमारे प्रिंसिपल में हमने इसका इंटरेस्ट को जहां पर ऐड कर दिया है और ये करने पर हमारा 9,242,400। हाँ बोलिए सर। सर आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो सर आपने प्रिंसिपल को नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बना दिया सर अमाउंट को, तो सर हम ये सेम एसआई में भी तो कर सकते हैं कि सर अमाउंट आ गई फिर तो फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल लें सर। ना बेटा समझ नहीं रहा एक्चुअली में क्रॉस देखिए है क्या इसमें कि जब हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कोई अलग चीज नहीं है बेटा, जैसे हम एक साल का ये जो फॉर्मूले से मैंने 3 साल का निकाला है ना ये सारा काम मैं सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकता हूँ, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए पहले प्रिंसिपल में उसको ऐड कर दें, अब नए अमाउंट के लिए फिर से अगले साल का फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालिए उसमें इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए, फिर तीसरे साल के लिए वही प्रिंसिपल का काम करेगा,